चला कनिका मान के हुस्न का जादू। कभी बनी ग्लैमरस दीवा तो कभी बनी चुलबुली गर्ल। कभी दिखाती अपनी अदाएं तो कभी दिखाती अपने डांस का जलवा। खतरों के खिलाड़ी में खतरों के खेल खेलकर और अलग अलग टास्क को पूरा करने के बाद कनिका को मिल गया है एक और नया टास्क, और वो टास्क है फोटो शूट का। जी हाँ, कनिका करवा रही है अपना फोटो शूट, जहाँ वो अपना मेकओवर कर अलग अलग अंदाज में अपना जलवा दिखा रही है। फोटोशूट ऐसा कुछ प्लान नहीं किया कि हमने कुछ थीम प्लान किया क्या? हमने सोचा कि मैंने सोचा कि इतने दिन से, 2 महीने से स्टंट्स ही कर रहे थे सब, ये सब वैसे, तो लेट्स डू अ फ्रेश फोटोशूट फॉर माय फैंस, क्योंकि वापस से नॉर्मल लुक में एक शूट करूँ, अदरवाइज वो स्पोर्टी स्पोर्टी लुक देगा। तो जस्ट वी थॉट दैट एंड आज आपके सामने पहुँचे हैं फोटोशूट करने। नया अंदाज है, नया फोटोशूट है, तो जाहिर है मेकअप भी खास होना चाहिए। ऐसे तो कनिका मान बेहद खूबसूरत है, लेकिन कैमरे के सामने आने से पहले करवाना पड़ता है मेकअप चेहरे को चमकाने के लिए। मेकअप शेकअप कर वो आ गई हैं अपने पहले लुक में, जो कि है बहुत ही ग्लैमरस। व्हाइट ऑफ शोल्डर वन पीस, खुले वेवी हेयर स्टाइल और डायमंड इयररिंग्स पहन वो लग रही हैं गजब की खूबसूरत। अगले लुक के लिए कनिका ने चुना है चुलबुला और बबली अंदाज, और उसके लिए उन्होंने लुक भी वैसा ही लिया है, पेस्टल ब्लू ड्रेस और उस पर ये क्यूट सी 2 चोटियां उन्हें उनका बचपना याद दिला रही हैं। यहाँ तो कनिका ने गजब की अदाएं दिखाई, लेकिन खतरों के खेल खेलने में वो पीछे नहीं हटी। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि उन्हें किस चीज से डर लगता है। तो आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस खतरों के खेल का, और कैसा रहा उनका रिश्ता सभी खिलाड़ियों के साथ। मैंने तो मैं सबको बोल रही थी, मैंने सर को भी जाते ही बोला, तो मैं गई तो आई लाइक कि अरे मुझे कुछ चीज़ डरा ही नहीं सकती है ना, मतलब मुझे क्योंकि पता ही नहीं थे अपने फेयर्स, तो मैं ऐसी थी कि पता नहीं देखा जाएगा बट आई विल डू इट। पहला ही स्टंट एंड वो फुल क्रीपी क्रॉलिंग्स था, फुल कॉकरोचेज वॉर्म्स, पहला ही स्टंट क्या, मुझे लगा नहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है कि मैं जीत के जाऊँगी एंड मैं तो मतलब सब चीज़ों को पार कर जाऊँगी, किसी चीज़ से नहीं डरने वाली हूँ, ये तो मैं बहुत जल्दी घर वापस जाऊँगी, ये होने वाला है। तो मैं ना अपना
अपना बैग भी ऐसे हाफ पैक्ड सा ही रखती थी, मुझे था पता नहीं कब जाना पड़ जाएगा, बिकॉज दिस नो आई कॉन्ट डू दिस. लेकिन ऑफकोर्स जब आप वहाँ पहुँचते हो एंड रोहित सर इज़ देयर एंड आप देखते हो बाकी सबको परफॉर्म करते हो, तो एक एड्रेनलिन रश आता है कि नो आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू बी हियर, मुझे नहीं जाना है. तो वैसा आता गया एंड हम स्टंट्स परफॉर्म करते चले गए, बाकी ऑफकोर्स आपके सामने आ ही रहे हैं धीरे धीरे करके एपिसोड एंड आई होप यू आर एन्जॉइंग दैम. शो की बात करो वो भी आसान नहीं होता है, एक रियलिटी शो की बात करो वो भी आसान नहीं होता है. दोनों के अपने अपने ये हैं कि टीवी शो इतना हेक्टिक होता है, कई बार मेरे घर वाले देख के डर जाते हैं, हाई तू कैसे हर दिन सेम रूटीन कर रही है, 12-14 घंटे तुम लोग शूट कर रहे हो, नेक्स्ट डे सेम. एंड गुड्डन तो टाइटल लीड था तो 300 दिन में शूट करती थी तो महीने के, तो वो ऑफकोर्स बहुत हेक्टिक होता है अपनी दुनिया में, वो एक डिफ़िकल्ट होता है. एंड रियलिटी शो मेरा पहला रियलिटी शो था एंड आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी की मुझे मौका मिला ये करने का, आई एम सो हैप्पी. एंड काफ़ी लंबी जर्नी भी रही, लेकिन ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट तो होता ही, क्योंकि हमको आदत, अभी तक मुझे आदत थी वो स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको इस कैरेक्टर में रहना है, अब जो वो कैरेक्टर आपको उसको जीना है, वो कब दुखी हो रहा है, कब लड़ाई कर रहा है, कब खुश हो रहा है, आप वो हो, यहाँ पर आप खुद हो. एंड उसके साथ साथ आपको फिजिकल प्रेशर भी इतने सारे होते हैं, स्टंट्स हैं, देन क्योंकि वेदर भी वहाँ का बहुत ऐसे ऊपर नीचे होता रहता था, एंड देन आपको कभी पूरी नींद मिलती है कभी नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिजिकली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, देन मेंटली ऑल्सो समटाइम्स आप मे बी स्टंट नहीं परफॉर्म कर पाए तो आपका मोरल डाउन हो जाता है कि शिट यार ये नहीं मैं कर पाया. मुझे याद है जब मुझे पहली बार फेयर फंदा मिला था, मैं कितनी ऐसे पैनिक्ड थी कि ओ शिट मुझे फेयर फंदा मिल गया, मैं चली तो नहीं जाऊँगी, मुझे गेम से निकाल तो नहीं देंगे, तो बहुत सारी वो मेंटली भी आप एग्जॉस्टेड रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. देन मे बी आपके कई बार आपस में व्यूज़ नहीं मैच करते हैं, कोई कुछ बोल रहा है आपको वो सही नहीं लग रहा है, या आप कुछ बोल रहे हो किसी ने बोल दिया कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो आपको लगता है कि अरे क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं क्या सही नहीं सोच रहा हूँ, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं. बट मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा भी इस शो से, सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मुझे क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, मैंने आखिरी के कुछ दिन ही थोड़ी बहुत, वो भी अर्जुन ने बोला कि देख स्विमिंग नहीं आती तो तू भूल जाते, कोई बहुत जल्दी निकाल देंगे, तो मैं हम लोग रूहानियत शूट कर रहे थे पुणे में, तो मैंने होटल में ही थोड़े बहुत दिन सीखी थी, तो मुझे लगता था पानी तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वहाँ जाके मैंने फील किया कि पानी से मैं थोड़ी कम्फर्टेबल हो गई हूँ. एक्चुअली हाइट मुझे लगता था कि मैं कम्फर्टेबल रहूँगी, लेकिन वो मेरे को थोड़ा डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी. कुछ भी नहीं, उन्होंने क्लियर ये बोला था कि देख कुछ नहीं, सब अनप्रडिक्टेबल होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत उसको लगता है कि इस चीज़ में वो बहुत अच्छा है, कई बार स्टंट्स में वही बंदा नहीं कर पाता, और कई बार ऐसा होता है किसी को कुछ नहीं आता है वो बहुत अच्छा कर जाता है, तो इट्स अनप्रडिक्टेबल. तुम यहाँ से बस काम रहना कि ठीक है हो जाएगा, मुझे करना है, इस माइंड सेट के साथ जाओगी तो तुम कर लोगी, जब माइंड अगर गिव अप कर देगा तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा. जस्ट दिस टिप जो मैं नहीं कर पाई ना वहाँ पर, कई बार होता है कि आपका माइंड बिल्कुल ऐसा गिव अप कर जाता है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझे सोच के लगता है कि वो भी हो जाता, कर लेती ना, क्यों नहीं करा, पर मैं कई बार डर जाते हो आप, तो वो लगते हैं जो मैं नहीं कर पाई पूरे. मुझे लगता था कि उनको ऐसा लगे कि ओ शिट इतनी चोट लग रही है, ओ शिट इतना परेशान हो रही है, नहीं 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 क्यों कर रही है, आ जा वापस. मम्मी मुझे उल्टा बोलती है, हाँ तो इतना तो होगा ही, हाँ तो ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा, हाँ तो कोई बात नहीं चोट लग रही है कोई बात नहीं, यू कीप डूइंग इट. तो उल्टा रिएक्शन था मेरे घर वालों का, तो जबकि मुझे लग रहा था वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, बट दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी, तो आपस में वही फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता था, तो कोई हम वैसे तो ऑफकोर्स बहुत कम टाइम हमको मिलता था मस्ती का, हमारी शूटिंग ही चलती रहती थी स्टंट्स, तो बहुत जितना भी टाइम मिलता था हम लोग ऑफकोर्स ऐसी हंसी मजाक खुशी ये सब करते रहते थे. फैंस को मतलब कितना बड़ा थैंक यू बोल सकूँ, बोलूँगी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, आप हर प्रोजेक्ट को खूब सारा प्यार दे रहे हो. एंड ये मैं बीच में देख भी रही थी, बहुत सारी ट्रोलिंग हो रही थी, कोई रुबिना को सपोर्ट कर रहा था, कोई मुझे सपोर्ट कर रहा था, आपस में लड़ रहे थे, तो देखो ऐसा लड़ना वड़ना नहीं है, ये गेम है, गेम का हिस्सा होती हैं कुछ चीज़ें, तो हमने भी गेम की तरह खेला, आप भी उसको जैसे हमने एक्सेप्ट किया आप भी उसको वैसे एक्सेप्ट करो, आपस में नहीं लड़ना है, ठीक है. फिलहाल तो कनिका के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिसमें से वो चयन कर रही हैं कि कौन से लुक में अपने दर्शकों के सामने पेश आए. वैसे बहुत जल्द कनिका मान की वेब सीरीज रूहानियत 2 जल्द ही आने वाली है, जिसके लिए कनिका बेहद एक्साइटेड है. उम्मीद करते हैं कनिका ऐसे ही अपने दर्शकों का दिल जीतती रहे. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.